हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी, यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड कंडीशन इन कॉलम। जी हाँ, ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड कंडीशन इन कॉलम। तो पिछला वाला क्वेश्चन था दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड कंडीशन बीम, ये वाला क्वेश्चन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड कंडीशन इन कॉलम। और एक टर्म भी हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं स्लेंडरनेस रेशियो। तो ये दो बार एक मार्क में डिफाइन द टर्म्स में पूछा गया है। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट थिंग है, उसको हम देखने वाले हैं। तो शांति से देखिएगा इसको, ठीक है? चलो तो सबसे पहले देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड कंडीशन इन कॉलम। पर उससे पहले मुझे आपको कुछ चीज बतानी है, वो बोलता हूं मैं, बकलिंग लोड, क्रिटिकल लोड एंड क्रिपलिंग लोड। ये क्या है मुझे वो बताना है आपको, ठीक है? देखो बकलिंग लोड क्या होता है, पहले आपको ये चीज को समझना है यहां पे कि ये आपके पास कुछ कॉलम यहां पे रखी हुई है, ठीक है? दिस इज कॉलम। अब यहां पे कोई इस तरीके से लोड लग रहा है या कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है? यहाँ पे इसको मैं लोड को बोल देता हूँ पी, आई एम टैगिंग पी। अब यहाँ पे ये लोड लग रहा है, तो क्या होगा कि मैं लोड बढ़ाता जाऊंगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इस कॉलम का बकलिंग हो जाएगा। बकलिंग मीन्स लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो अभी तुमको ये वर्टिकल दिख रही है, एक कुछ इस तरीके से हो जाएगी तुम्हारा, लाइक दिस, इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? सो इसको बेंडिंग, एक टाइप का बेंडिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं बकलिंग। अब इसमें एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको लोड बढ़ाऊंगा, ये बीम, ये कॉलम है, उसका फेल्योर हो जाएगा, ठीक है? सो जिस लोड पे बकलिंग लगता है, जिस लोड पे जब ये पूरा कॉलम का फेल्योर हो जाएगा बेंडिंग लगने की वजह से, या उसको बोले बकलिंग। समझ में आ रहा है क्या बोलता है बकलिंग? तो ये आपका कॉलम है, यहाँ पे लोड लग रहा है पी। तो अभी जब कुछ इनिशियल कंडीशन में कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे हम लोड लगा रहे हैं, पर एक लोड ऐसा आएगा कि जहां पे इसका बकलिंग हो जाएगा। सो दिस बैम, दिस कॉलम इज गोइंग टू बी लाइक दिस, इस तरीके से हो जाएगा ये कॉलम। इसको बोलते बकलिंग क्रिएट होना, इसको बोलते लैटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो इस तरीके से ये ऐसा था, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है? और अब एक लोड ऐसा डाल दूंगा कि ये पूरा फेल ही हो जाएगा, यानी कॉलम टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जिस लोड पे ये ब्रेक हो जाएगा, जिस लोड पे बकलिंग हुआ, जिस लोड पे इसका फेल्योर होगा, उस लोड को मैं बोलूंगा बकलिंग लोड, या फिर इसको आप बोल सकते हो क्रिटिकल लोड, या फिर इसको आप बोल सकते हो क्रिपलिंग लोड। दिस थ्री टर्म्स आर दी सेम, ठीक है? तो जिस लोड पे इसको बकलिंग होगा, या जिस लोड पे इसमें बकलिंग फेल्योर आएगा, है ना, इसको बोलते हैं बकलिंग फेल्योर। तो जिस लोड पे वो चीज होगा, उस लोड को बोलेंगे या बकलिंग लोड, या उसको बोलेंगे क्रिटिकल लोड, या उसको बोलेंगे क्रिपलिंग लोड। तो इसको कैसे फाइंड किया जाता है, हाउ वी कैन फाइंड द बकलिंग लोड, तो उसके लिए आते हैं यूलर्स थ्योरी एंड रैंकिंस थ्योरी। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि यूलर्स थ्योरी से कैसे हम बकलिंग लोड को फाइंड करें। हियर जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू दिस थिंग्स ओनली। अब यहां पे हमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारा, वो फाइंड करना है। तो देखो, तो यहां पे हमने एंड कंडीशन, तो ये सारी कॉलम है, कॉलम को आप, सब कॉलम को आप वर्टिकल कंडीशंस में आप एज्यूम करना, मैंने यहां पे लाइन डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। तो अब एंड कंडीशन कैसी है, तो यहां पे जो कॉलम रखी हुई है वो बोथ एंड से हिंज है। देखो आप, ये जो यहां से भी हिंज किया गया है और यहां से भी, दिस आर बोथ एंड्स आर हिंज। तो ये बोथ एंड्स अगर हिंज होगी तो उसका इफेक्टिव लेंथ कितना आएगा, वी नीड टू फाइंड द इफेक्टिव लेंथ। सो अगर बोथ एंड तुम्हारा हिंज होता है तो तुम्हारा इफेक्टिव लेंथ होता है, दैट इज द एक्चुअल, देखो स्मॉल एल यानी एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम। सो बोथ एंड्स अगर हिंज हो गए तो हम इफेक्टिव लेंथ लेंगे इक्वल टू एक्चुअल लेंथ। दूसरी चीज, बोथ एंड इज फिक्स। देखो यहां पे ये एंड भी फिक्स किया गया है, ये एंड भी फिक्स किया गया है, ठीक है? सो यहां पे क्या होगा, देखो ये सारा, ये आप जो देख रहे हो यहां पे, इस तरह का बकलिंग ही दिखा रहा है। देखो इस तरीके से इफेक्ट यहां पे दिखाई गई है, बकलिंग इफेक्ट इसमें पूरा होता है, यहां पे पूरा बकलिंग इफेक्ट दिख रहा है यहां पे। सो यहां पे इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू एल था, यहां पे सिर्फ इस पोर्शन में आपको बकलिंग दिख रहा है, अप टू दिस पोर्शन, लाइक दिस अप टू ओवर हियर, फिर बाद में यहां पे तो स्ट्रेट है और यहां पे भी स्ट्रेट है। तो यहां पे अगर बोथ हैंड फिक्स होगा तो उसमें इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, तो एक्चुअल लेंथ डिवाइडेड बाय 2। अब जब वन एंड फिक्स है, वन एंड फिक्स है एंड अदर एंड हिंज है, सो दिस इज द हिंज। तो आप देखो यहां तक बकलिंग लेंथ दिख रहा है, देखो आपको, ठीक है? सो दिस विल बी लाइक दिस। तो यहां पे क्या होगा, सो उस केस में योर इफेक्टिव लेंथ और इक्विवेलेंट लेंथ, है ना, ये एली यानी इफेक्टिव इक्विवेलेंट लेंथ इक्वल टू एक्चुअल लेंथ डिवाइडेड बाय रूट टू। सो यू नीड टू रिमेंबर, ये सारी चीजें हमें न्यूमेरिकल के अंदर पूछी जाएगी, सो वी नीड टू रिमेंबर न्यूमेरिकल में ऐसा देखे बोथ एंड फिक्स। सो यू शुड नो, अगर बोथ एंड फिक्स है तो इफेक्टिव लेंथ कितनी लेनी है। सो दिस इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये थियरी भी इसकी पूछी जाती है। अब वो बोल रहा है वन एंड फिक्स एंड अदर एंड एड फ्री। तो आप देखो यहां पे, सो यहां पे सभी जगह पे देखो मैंने पी लोड, ये लोड पूरा अप्लाई करके रखा हो, तो आपको बकलिंग इफेक्ट देख रही है। अगर बोथ एंड ही जो तो पूरे में दिखने को मिलेगी,
फिक्स हो गए तो इतने पार्ट में देखने को मिलेगा, वन फिक्स अदर हिंज होगा तो इतने पार्ट में देखने को मिलेगा, एंड वन एंड फिक्स एंड अदर एंड फ्री, आप देखो अदर एंड इज फ्री, तो वहां पे आपकी इक्विवेलेंट लेंथ या फिर इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, दैट इज ट्वाइस ऑफ द एक्चुअल लेंथ। सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस वैल्यू, वेरी वेरी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आएगा, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड कंडीशन इन कॉलम। अब हम पढ़ेंगे स्लेंडरनेस रेशियो, व्हाट इज स्लेंडरनेस रेशियो। सो स्लेंडरनेस रेशियो को डिफाइन किया जाता है लैम्डा से, ठीक है। सो स्लेंडर रेशियो इज डिफाइन लाइक दिस, इट इज द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ और इफेक्टिव लेंथ जो हमने यहां पे पढ़ा टू द मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। सो वी कैन लाइक दिस स्लेंडरनेस रेशियो इक्वल टू इक्विवेलेंट लेंथ टू द मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, तो हमें पता है इनर्शिया, अरे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू क्या लिखते हम, ए के स्क्वायर, इस तरीके से लिखते हैं, आई इक्वल टू ए के स्क्वायर। अगर किसी को नहीं पता है तो ये फॉर्मूला मोस्ट में अगर आपने पढ़ा हो तो आएगा, नहीं पता है तो आपको याद रख लीजिए आई इक्वल टू होता है ए के स्क्वायर। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है, के मिनिमम, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे के को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या लिखते के स्क्वायर इक्वल टू आई अपॉन ए। अब मुझे यहाँ पे चाहिए के मिनिमम, तो पहले मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूं के, तो के क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आई बाय, अगर के मिनिमम चाहिए तो मुझे इस तरीके से आई मिनिमम ऑफ ए, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अब के मिनिमम इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट ऑफ आई मिनिमम पे। अब आई मिनिमम कैसे निकालोगे, देखो तो हम हर चीज का आई एक्स एक्स और आई वाई वाई एलिमेंट, ये दो चीज हम निकालते हैं, जिसका मोस्ट क्लियर होगा उसका क्लियर होगा, नहीं समझ में आ रहा है नो प्रॉब्लम, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई वैल्यू निकालनी होती है, इसमें से जिसकी कम आती है वो हो जाता है आई मिनिमम, ठीक है। सो दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सो हमें इतना ही याद रखना है, एक बार में पूछा जाता है व्हाट इज स्लेंडरनेस रेशियो, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, इट इज द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ और यू कैन से इफेक्टिव लेंथ टू द मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशंस, एंड मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन कैन बी फाइंड आउट बाय दिस इक्वेशंस अंडर रूट ऑफ आई मिनिमम बाय ए। तो आपको किसी भी चीज का अगर आई एक्सेस और आई वाई वाई ढूंढना होता है, इसमें जिसकी छोटी कम वैल्यू होती है दोनों में से वो हो जाता है आई मिनिमम। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई होप को लेक्चर पसंद आया होगा, हैव अ नाइस डे, बाय।